नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बाराबंकी के विधानसभा रामनगर के बसपा प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला ने क्या कहा, आइए देखते हैं बाराबंकी से मयंकर यादव की रिपोर्ट में। रामकिशोर शुक्ला जी, आप बताइए, जो है जो लखीमपुर खीरी में जो भी कल हादसा हुआ किसानों के साथ में, उसमें आपके क्या विचार है? देखिए, जैसा मुझे सुनने को मिला है, एक बड़ी ही दुखद घटना है और इतनी बड़ी घटना जानबूझ करके अगर कर दी जाए तो बड़ी विडंबना है देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। हमें मान के चलते हैं कि एक हिसाब से तो हिटलर शाही सरकार की तानाशाही हो गई, मंत्री जी का बेटा है, हमको लगता है जो भी है, इस तरह से उनको पेशेंस में रह के काम करना चाहिए। और आज मैं अपनी सरकार से, बीजेपी की सरकार से अनुरोध करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप तत्काल अपने स्तर से ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दें। हम देख रहे हैं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी का हमारा नेता हो, चाहे समाजवादी का नेता हो, जब किसी नेता को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को उनके दुख दर्द में सम्मिलित होने के लिए नहीं दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है, तो एक हिसाब से तो तानाशाही हो गई भैया। तो तानाशाही ना करके संपत्ति के आधार पर किसी का भी कहीं भी कोई घटना दुर्घटना अगर ऐसी हो जाती है, उसमें उनको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों की, जो उनके परिजन समाप्त हुए, किसान हमारे आंदोलित थे, तो किसान तो आज हमको लगता है एक साल से परेशान है, रोड पर बैठे हैं, ना उनकी रक्षा है, ना उनकी सुरक्षा है, ना कोई पुरसाहाल पूछने वाला है। ये तो हो गया कि अगर वो रोड पे बैठे हैं तो सुरक्षित नहीं है, घर में बैठे हैं तो सुरक्षित नहीं है, जहाँ भी हैं वो ऐसे ही काम करेंगे। हम तो सरकार को, इस तरीके सरकार को तोड़ना सरकार कहते हैं। और हम मांग करते हैं अपनी रामनगर विधानसभा से कि जब तक इन जो भी हमारे वहाँ पे प्रजन समाप्त हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, उनके लिए उचित न्याय नहीं दिया जाता, तब तक रामनगर की जनता, रामनगर विधानसभा 267 की जनता ना सुकून से बैठेगी। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक उन सबको न्याय नहीं मिलता।